डॉक्टर साहब एक और बात है, जैसे हार्वेस्टिंग के टाइम हमने खाद डाली, हाँ जी, तो अब आज हमारे को कब डालनी चाहिए खाद? हार्वेस्टिंग के दौरान तो हमने डाला, नाइट्रोजन भी डाला और आपका हमने जैसे 15-15-15 डाला, तो अब हमारे को क्या एडवाइस करेंगे आपके, हमारे को कब डालनी चाहिए खाद? सर ऐसा है, अभी आजकल क्या है, अभी आपका जो टाइम है, इस टाइम जो दिसंबर का महीना है, इस टाइम आप एक तो आपके जो क्या कहते हैं तने हैं, इसमें आप पेस्ट कर जो आपका चूना लगाते हैं वो लगा दो आप। बाकी आपने क्या करना है, अभी आपने कुछ नहीं डालना है, जो आपका ये फार्माइड मैन्योर वगैरह जो गोबर वगैरह डालते हैं आप, वो डाल दो, वो डाल सकते हैं, उसके बाद आपका रोलिया वगैरह जो बना दो आप। पर जो क्या आपका ये पोटाश है, आपका फॉस्फोरस है, वो आप जनवरी महीने में 15 या 20 के आसपास, ताकि जो आपका जिस टाइम हमारा क्या कहते हैं आपके फ्लावरिंग होनी है, फ्लावरिंग से हमारा कुछ टाइम पहले, मतलब डेढ़ का महीना पहले, उससे पहले हमारा जो है न्यूट्रिशन उसमें हो, क्योंकि स्लो रिलीज फर्टिलाइजर होते हैं, धीरे धीरे आपका प्लांट को आपका मिलते हैं। और जो आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आपने आपका जब आपका ये क्या कहते हैं आपका फूल आता है, अब आपको अपने बगीचे का सबको आइडिया होता है कि मेरा फूल लगभग किस टाइम आता है, तो वैसे तो हम नाइट्रोजन बोलते हैं कि दो स्प्लिट डोजेज में डालना है हमेशा, आधा फ्लावरिंग से 10 दिन या 15 दिन पहले, आधा फ्लावरिंग के 10 या 15 दिन बाद। अगर आप नहीं डाल पाते तो आप उसे पहले डाल दो, अगर आप दो अगर आप कर सकते हो दी बेस्ट है, मतलब आधा डोज आपने फ्लावरिंग से 15 दिन पहले डालना है, आधा डोज आपने जब आपकी फ्लावरिंग हो जाती है उसके 15 दिन बाद।